ट्रेन की फर्स्ट राइड है ये, और वो भी टॉय ट्रेन का था फर्स्ट राइड। वहाँ जो गाड़ी थी जी वहाँ पटरी से बिल्कुल लगा हुआ था, ट्रेन जब आगे निकलती तो शायद उस गाड़ी से टकरा सकती थी। बचपन का सपना था एक बार जब बड़े होंगे तो जरूर हम टॉय ट्रेन पर घूमेंगे। फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं, रुद्र भाई लोग नहीं जा रहे हैं हमारे साथ, उधर शिवास जो है अपने से चलने की कोशिश में है कि हम खुद चलेंगे। प्रियांश बाय बाय। तो फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, पति जी तो बहुत पहले ऊपर पहुंच चुके हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं, लगता है प्रियांश को भूख लग गया है, उसको दूध दे देते पहले। A few moments later. जी नीचे से तो आगे हम लोग पार्किंग एरिया में सोच रहे थे कि निकल जाएंगे, लेकिन बीच में ही जो है क्रियांश को थोड़ी सी भूख लग गई, तो क्रियांश को जब भूख लगी तो इसे देखकर हमें भी भूख लग गई, तो हम मंगवा लिए नूडल्स। तो यहाँ नूडल्स में तीन तरह का ऑप्शन था, एक था मैगी, एक था वाई और एक नूडल्स ही बोलते हैं ये लोग। तो सोचा कि मैगी तो डेली लाइफ में खाते ही है, मैगी चाउमीन यही चलता है हम लोगों के साइड, तो सोचा कि कुछ डिफरेंट खाया जाए, पहली बार खा रहे हैं वाई और अच्छा लग रहा है एकदम। स्पेशली बोला गया था कि तीखा बनाने के लिए, क्योंकि सर्दी और जुकाम का लग रहा है कि थोड़ा सा लक्षण दिख रहा है हमें, तो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। और क्रियांश क्या कर रहा है? क्रियांश अपना एंजॉय कर रहा है, घूम लेना है, इसको बैठना नहीं है, थोड़ा इसको घूमना है। घूमेगा क्रियांश? नहीं बेटा, ये तो हमारी हो गई जी पेट पूजा करने के बाद जो है आप निकल रहे हैं अगले स्पॉट पर, जो कि हमारा आखिरी स्पॉट है और वह है टी गार्डन। तो आज दार्जिलिंग में जो है अलग अलग स्पॉट घूम लिए थी, लगभग लगता है कुल मिला के 4-5 स्पॉट हम लोग हो गए होंगे, और अच्छा रहा ट्रिप। उसके बाद कल हमारी राइड है टॉय ट्रेन की, और टॉय ट्रेन का राइड लेने के बाद जो है हम लोग चले जाएंगे सीधा कटिहार की तरफ, और रुद्र भाई भी कटिहार जा करके उधर से चले जाएंगे अपने घर के साइड। तो कल हमारा जो है आखिरी दिन रहेगा ट्रिप का। तो अभी हम लोग आ गए हैं टी गार्डन, इधर देख सकते हैं पतिदेव पीछे है, बउआ भी पीछे है, हम लोग यहाँ से क्रॉस होके गए रास्ता देख, वहाँ से देखे तो पता चला कि ये वाला रास्ता है, ये बोल रहे थे किधरे है लेकिन हम बोले वो लोग उधर जा रहे हैं। पहुँच गए टी गार्डन के अंदर और काफी अच्छा लग रहा है जी यहाँ से नज़ारा, और हम लोग जो है नीचे तक जा सकते हैं क्योंकि देख रहे हैं नीचे तक हो रही है खेती, लेकिन जाना उतना ही नीचे है जितना चढ़ सके हम लोग, और यहाँ पर ढलान बहुत ज्यादा है तो थोड़ा संभल के चलना होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल, तो चलना है ढंग से, एक बार कहीं फिसल गए तो समझ जाओ कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि इधर से उधर गए तो वहाँ पे पेड़ है, मतलब जो है किसी न किसी पेड़ में अटक जाएगी, अटक जाएंगे पकड़ लेंगे पेड़ को, और इतना ये मतलब वो है ना कि टूटेगा नहीं जल्दी, अपना सेफ्टी फीचर देख ली है, लेकिन फिर भी चलना ढंग से है। तो घुमा हुआ हो गया जी टी गार्डन, और अब जो है यहाँ से सीधा चल रहे हैं होटल, होटल चलकर थोड़ा सा आराम करेंगे। और यहाँ जो है टी गार्डन, इसके बारे में ज्यादा डिटेल तो पता है नहीं, अगर थोड़ा डिटेल पता होता तो आपको बता सकते, जब भी किसी जगह जाए तो वहाँ का जो लोकल चीज सबसे फेमस है तो वहाँ जरूर हमें विजिट करना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑरेंज वैली, और क्या है जट चाइना, मुझे तो वो बोर्ड पढ़ के बस इतना सा समझ में आ रहा है कि यहाँ जो है ऑरेंज वैली है इसका नाम, और जट चाइना हो सकता है चाइना के आसपास हो, उसे चाइना के आसपास तो है ही जो यह जगह, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग सिक्किम ये सब तोड़ेंगे नहीं ना, इसी की मना है, इसमें चायपत्ती है उसको तोड़ता है, फूल से बनता है फिर लीफ जो मिलाता है वो तोड़ तोड़ के थोड़ा मिलाता है। चला जाए गाड़ी में, चलिए, और अब यहाँ से फिर थोड़ी दूर चढ़ना होगा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन चलिए थोड़ा बहुत लेकिन चढ़ा ही है। तो हम लोग जी आगे गाड़ी के पास इंतजार कर रहे हैं रुद्र और पूजा के आने का, वो लोग गए हुए हैं चायपत्ती लेने के लिए। अच्छा है, रेट मालूम चल रहा है यहाँ चायपत्ती का, केमिकल फ्री है, 100 रुपए। कैसे दिया? 300 रुपया का, 100 ग्राम का 1000 रुपए केजी, टेस्ट तो करेगा ना। चलिए तब देख ही लेते हैं, अगर टेस्ट लगेगा अच्छा तो दोबारा मंगवाएंगे, अच्छा है अगर अच्छा पसंद आएगा तो ले जाएंगे। चलिए हम कुछ ले लेते हैं। क्या फुल लिप्स में ज्यादा टेस्ट आता है क्या? 100 ग्राम लेना होगा, सब 100 ग्राम का ही है। अच्छा ठीक है, ये दे दीजिए हमको फुल लिप्स, फिक्स रेट है आपका? फिक्स रेट है, दोनों दे दीजिए 100-100 ग्राम। तो जी यहाँ पर हम ले रहे हैं चाय पत्ती, बताया जा रहा है कि यहाँ का केमिकल फ्री है चाय पत्ती, सच में केमिकल फ्री है।
तो हमने ले लिया जी चाय पत्ती, और वो बार बार कह रही थी कि यह केमिकल फ्री है। तो हम कह रहे थे कि पहचानेंगे कैसे कि आपका केमिकल फ्री और बाकी सब जो है कुछ इस तरह का है, तो कुछ ऐसा आइडिया तो नहीं बताई, लेकिन कही कि अगर आपके तरफ चाय पत्ती मिल रहा होगा तो वो थोड़ा काला नजर आ रहा होगा, क्योंकि हाँ काला रहता है, तो बताई कि वो असल में उसमें कलर मिला हुआ रहता है। और तब पूछे कि आप लोग यहाँ खेती किस तरह से होती है, तो कहा कि वो जो काउ डंग होता है वो यूज करते हैं, यानी गोबर जी, जो गोबर का खाद हम लोगों की तरफ यूज होता है। The next day. तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 8, और हम लोग जो है बिल्कुल एकदम उठ करके तैयार हो गए हैं। और क्रियांशु थोड़ी सी उधर तबाही मचा रहा है, बेचारा जो है बहुत देर से अकेला बेड पर है, क्योंकि हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग जो है जी अब यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से सीधा निकल करके लेंगे टॉय ट्रेन की राइड। जी हाँ, टॉय ट्रेन की राइड आज लेने वाले हैं। बहुत दिनों से मन था कि टॉय ट्रेन का राइड लेंगे, एक तरह से कह सकते हैं बचपन में सुना करते थे कि दार्जिलिंग में जो है ना टॉय ट्रेन चलता है, उसी समय से सोच रखे थे कि कभी मौका मिलेगा तो दार्जिलिंग जाएंगे और टॉय ट्रेन का राइड लेंगे। तो अब ज्यादा देरी नहीं करते हुए यहाँ से निकलते हैं और चेकआउट करते हैं। तो अभी हम लोग आ गए रिसेप्शन पे, तो यहाँ चेकआउट का काम चल रहा है, और आराम से पापा को भी दिए। जब तक पापा के गोद में नहीं आया तब ही से मचाया है ये। फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं, रुद्र भाई लोग नहीं जा रहे हमारे साथ, वो लोग भी आते तो काफी अच्छा लगता। लेकिन शिवांश जो है उसका तबीयत ठीक नहीं है, और ये लोग टॉय ट्रेन का राइड पहले ही ले चुके हैं। तो अब हम लोग निकल चुके हैं, देख सकते हैं पापा गुद्दी है, और हमारे पास बहुत सारा सामान है भर के बड़े वाले पर्स में। और अच्छी बात ये है, हम लोग के होटल से मात्र 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पर है ट्रेन का। पता नहीं था, होटल वाले भैया ने बताया कि इधर से वॉकिंग डिस्टेंस पे जल्दी पहुंच जाएंगे। और पीछे देख सकते हैं आप देख रहे हैं, हम तो गए थे टैक्सी करने के लिए, होटल वाले भैया क्या है 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, आप टैक्सी क्यों करेंगे आप। और पता है मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या लगी ना, यहाँ कोई लूटने में नहीं रहता है, सारे ईमानदार हैं। हाँ सारे ईमानदार हैं, सबको एडवाइस देंगे, अच्छी एडवाइस देंगे। हो सकता था ना उन लोगों के पास अपनी भी टैक्सी होती होटल वालों के पास, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, आपको झूठ के पैसे भी लग जाएंगे, और जब तक मेरी टैक्सी आएगी तब तक आप पहुँच भी जाओगे। इधर से रास्ता है, हम लोगों को इस रास्ते के बारे में पता ही नहीं था, तो मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगी। और जैसे हम लोग शिमला घूमने गए थे ना, तो फिर वहाँ पे मतलब हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं, बहुत गंदा रहा था। मेरा होटल 5 मिनट के रास्ते पे था, उन्होंने बताया 1 घंटा लगेगा आपको जाने में, मेरी टैक्सी कर लो। चेक किया तो बस 5 मिनट के रास्ते पे जीपीएस पे। हाँ तब देख सकते हैं रास्ता कुछ ऐसा है, बस उतरना ही है, चढ़ने में दिक्कत होता है ना, उतरने में कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही उतरेंगे हम लोग पहुँच जाएंगे ट्रेन में। और यहाँ का जो डॉगी सब होता है, कुत्ता सब, बहुत फ्रेंडली होता है। और इधर देख सकते हैं दो बच्चे जो है एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं बस का। और देखिए बात करते करते हम लोग पहुंच गए स्टेशन, पता भी नहीं चला कि कब पहुंच गए। हाँ इधर लगता मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगा होगा, 7 मिनट भी नहीं लगा, नहीं 2-3 मिनट तो नहीं। और इधर चर्च भी है, तो देख सकते एकदम से चुप हो गया जब घूमने की बारी आई। तो ये देख सकते हैं हम लोग दार्जिलिंग स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो हम लोग जी पहुंच गए हैं प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ पर बैठे हुए हैं, और क्रियांश जो है मजे में इधर उधर जो है नज़ारे का आनंद ले रहा है। जो भी आ रहे हैं सबसे गप्पे, जो भी आदमी आ रहे हैं सभी से चाह रहा है कि बात करें। हाँ कुछ कुछ लोग तो बात भी कर रहे हैं, सबको देख के स्माइल कर देगा तो नहीं बात करें। सही बात है, यहाँ से जी हम लोग थोड़ा सा फीलिंग ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है DDLJ टाइप का फीलिंग है। और जी हमने मूवी और यूट्यूब में तो देखा है स्विट्जरलैंड के स्टेशन का नज़ारा, कुछ ऐसा ही नज़ारा वहाँ दिख रहा होता है। वहाँ हम गए तो नहीं है, बाकी जो लोग वहाँ के होंगे उन लोग को ज्यादा अच्छा आइडिया होगा, लेकिन जब वीडियो में देखते थे कुछ ऐसा ही नज़ारा हमें दिख रहा होता था। तो देख सकते हैं वहाँ एक ट्रेन लगता है पहले से लगी हुई है, बस वो डब्बा है अभी, उसको चलना है नहीं, और इस प्लेटफॉर्म पर आएगी ट्रेन। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आधा घंटा हमारे हाथ में समय है, और कुछ खाने देखते हैं, कुछ खाने का मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। और उधर देखिए, इधर ट्रेन उधर पहाड़, क्या नज़ारा है। इधर ट्रेन आने में जी अभी थोड़ा समय है, तो सोचे कि थोड़ा सा जो है आसपास टहल लेते हैं और आसपास का जो है नज़ारा लेते हैं। तो मज़ा आया जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। और यह है जी दार्जिलिंग का बुकिंग काउंटर, यहाँ से आप जो है टिकट ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है जी अंदर का नज़ारा, अभी तो शॉप सब सारे बंद है, लेकिन शॉप सब यहाँ पर खुले रहते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो खाने के लिए ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं जी, एक था दुकान खुला हुआ, वहाँ से हम ये लेज लेते आए। बैग में है कुछ है, एक बिस्किट भी होगा मेरे पॉकेट में, वो भी खा सकती है, नमकीन है, गुंजिया है। और मेरे बेटे को देखिए मेरे गोद में आ गया है, क्या देख रहा है क्रियांश, सवाई मजाक लगा था मम्मा, पापा की गोदी में आ गया ये। और जब भी कोई खा रहा होता है ना, इस तरह से उसको देख रहा होता है, खाने वाले को भी दया आ जाए कि कैसे हम खा ले, और इसको भी दे नहीं सकते मसाला वाला चीज। और जब देखिए बाबू का अनप्राशन होगा 3 को है ना। हाँ तो अनप्राशन करेंगे हम लोग, उस समय के बाद से ये प्रॉपर खाएगा सबको। तो ट्रेन आ गई है जी, तो हम लोग चल रहे हैं ट्रेन की तरफ। ओए और क्रियांश भी पीछे से अपना आवाज निकाल रहा है। चल 10:11 हम आ गए ट्रेन के अंदर,
और अंदर का जो है कुछ ऐसा नजारा है। तो हमें मिल गया थी सीट अपना और यहाँ पर बैठ गए हम लोग का तो सीट नंबर था 10 और 11, लेकिन कुछ फैमिली थी वहाँ पर, उन्होंने कहा कि आप लोग जो है पीछे चले जाओ, हम लोग फैमिली सब साथ में बैठेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए मजा आ रहा है अच्छा ट्रेन की फर्स्ट राइड है ये, अब वो भी टॉय ट्रेन का था फर्स्ट राइड। और इसको जो है एक मिल गया पंचिंग बैग सामने, अब एकदम लात मारते ही रहेगा उसमें, है ना। पंचिंग बैग यहाँ से जी ट्रेन चल चुकी है और देख सकते हैं नजारा कुछ ऐसा है। तो हम लोग भी चल रहे हैं टॉय ट्रेन में, एक समय था जब हम लोग वहाँ से देखा करते थे ट्रेन को, और अब ट्रेन के अंदर से बाहर देख रहे हैं। तो अभी तो हम लोग मार्केट एरिया से गुजर रहे हैं जी, मजा तब आएगा जब हम लोग एकदम जंगल झाड़ से गुजरेंगे, एकदम पहाड़ जंगल, वैसे उस साइड दिख जाएगा आपको पहाड़ और ये, वो मजा तब आएगा जब रोड जिस साइड नहीं हो, बिल्कुल घाटी से गुजरे एकदम वैली से गुफा से। ट्रेन की स्पीड को देख सकते हैं, कोई यहाँ से उतर सकता है फिर दोबारा चढ़ सकता है, जैसे आपने देखा वो अंकल जो अभी जस्ट उतरे हैं वहाँ से। मैगी कैसे होगा? हाँ दो प्लेट, दो हाँ 60 कर दीजिए। तो जी घूम स्टेशन पर जो है हम आकर के उतर गए हैं और यहाँ पर जो है कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, तो खाने में तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए। तो यहाँ पर मैगी बन रहा है तो सोचे कि चलिए कोई बात नहीं मैगी ही खा लेते हैं। और ट्रेन का देख सकते हैं कितना डब्बा है, 1 2 3 हर डब्बे में लगता है शायद 28 सीट है। मेरी पीछे नज़ारा देख सकते हैं जी, कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। जिया उधर बैठी हुई है, मैं इधर आ गया था गेट के पास भी खड़े होकर के व्यू ले रहा था, बहुत मज़ा आ रहा है जी। सच में बचपन का सपना था, एक बार कभी बड़े होंगे तो ज़रूर हम टॉय ट्रेन पर घूमेंगे, और आज वह सपना जो हमारा पूरा हो गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया जी सच में जी। इतना अच्छा अच्छा नज़ारा, ऊपर से सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम बहुत ही साफ है, जिसकी वजह से जो है हम लोग दूर दूर तक के पहाड़ को देख पा रहे हैं, वरना नॉर्मल यहाँ पर आपको फॉग मिलेगा जिसकी वजह से विजिबिलिटी क्लियर नहीं रहती है। यहाँ क्लियरेंस पे जो है उड़ चुका है सो करके, और यहाँ भी नज़ारे का मजा ले रहा है, और बाहर देख सकते हैं कितना मस्त व्यू है, ओहो नीला नीला आसमान अपने आंखों से जो देख रहे हैं, उससे अच्छा कैमरा भी लग रहा है। यहाँ पर ट्रेन जो है थोड़ी देर के लिए रुक गई थी क्योंकि यहाँ जो गाड़ी थी जी वहाँ पटरी से बिल्कुल लगा हुआ था, ट्रेन जब आगे निकलती तो शायद उस गाड़ी से टकरा सकती थी, तो ट्रेन को जो है रोक दिया गया, फिर उस गाड़ी को साइड किया गया, फिर ट्रेन आगे चली, तो कितना आसान है यहाँ पर ट्रेन को रोकना। यहाँ से कुछ नज़ारा देखिए क्या मस्त नज़ारा है, जबरदस्त।